प्रिय विद्यार्थियों, अब हम उत्तर पश्चिम हिमालय की भौतिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ मैप के द्वारा आपको ये मैप दिखाई दे रहा है और मैप के द्वारा आपको उत्तर पश्चिम हिमालय की जो भौतिक संरचना है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पामीर न, फिर गिलगित, ये सिंधु का दीर्घ मोड़ कहलाता है, यहाँ पर गिलगित है। फिर यहाँ पर रक्कापोशी, अभी जो मैंने बता रहा था आपको, ये गिलगित और यहाँ पर चरताल हैं और देवसाई मैदान हैं और इनके ऊपर में यहाँ रक्कापोशी का मैदान पाया जाता है। ये अभी गशेर ब्रह्म और ये नीचे मशेर ब्रह्म का मैदान, गशेर ब्रह्म का मैदान है, ये मशेर ब्रह्म का मैदान है, यह है ये गशेर ब्रह्म, ये दोनों जास्कर श्रेणी है, यहाँ क्योनलुन श्रेणी, उत्तर में सबसे उत्तर में क्योनलुन श्रेणी है, भी इसके बाद जास्कर श्रेणी आती है। फिर लद्दाख हैं, लद्दाख के बाद में ये कश्मीर घाटी आ जाती है, यहाँ पर पीर पंजाब, कश्मीर के बाद ये पीर पंजाब श्रेणी आ जाती है। ये पूरी पूरी जो रेंज है ये महा हिमालय की रेंज है। जास्कर आगे जा कर के ये यहाँ पर कामेत पर्वत पाया जाता है और ये रूपशु का मैदान, जास्कर के आगे ये बीच में रूपशु का मैदान आ जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये झीलें हैं, मानसरोवर झील यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये शिमला है, आगे यहाँ पर ये मानसरोवर झील हैं, फिर ये नंदा देवी पर्वत आ जाता है यहाँ पर, ये बद्रीनाथ और देहरादून, और ये जो है भाग है जो लघु हिमालय का एक पार्ट आ जाता है। यहाँ से जो मैंने रेड लाइन से ये नदियाँ आपको बताई गई है, ये पंजाब, जो पांच नदियों के प्रदेश को हम लोग पंजाब के नाम से जा सकते हैं, जिसमें सतलज हैं, रावी है, व्यास हैं, झेलम है और सिंधु नदी, इस तरीके से नदियां हैं। और आगे ये कैलाश श्रेणी आ जाती है, यहाँ से सिंधु इधर को बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी इधर बह करके आगे को जाती है। तो हिमालय को हमने चार भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे शिवालिक हिमालय के बाद लघु हिमालय, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के रूप में विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम लोग निचला भाग है जो इसका शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट में इसका जो पार्ट है इसका शिवालिक हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। शिवालिक हिमालय भी कहते हैं और उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब, पश्चिम में पंजाब है, पंजाब के पोटवार बेसिन से पूर्व में कोसी नदी है ना, जिसमें बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को तक विस्तृत भूभाग है इसका। सिंध गॉर्ज, अभी गिलगित मैंने बताया था, गिलगित के पास में ही सिंधु नदी का गॉर्ज है, वहाँ सबसे गहरा गॉर्ज है, वहाँ से ये गॉर्ज तंग गहरी घाटी होती है ना। तो ये सिंधु एक्चुअली हिमालय के उत्थान से पूर्व की नदी है, जैसे जैसे हिमालय का उत्थान होता गया उसकी गहरी घाटी होती गई और इस मोड़ से ही जो गॉर्ज में ये सिंधु नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र घाटी तक 2400 किलोमीटर लंबा है ये शिवालिक हिमालय। इसकी जो तीस्ता व रायडाक के निकट 80 से 90 किलोमीटर तक ये शिवालिक की पहाड़ियाँ लुप्त हो जाती है, तीस्ता और रायडाक चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर में है। शिवालिक जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर, अधिकतम ऊंचाई इसकी 1300 मीटर है। इसकी जो शिवालिक की जो संरचना है बालू, कंकड़, पत्थर, रेत आदि ढीले पदार्थों से हुई है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से जो कंकड़ पत्थर आदि लुढ़क करके आते हैं, तो इस ढलान कम होने के कारण, इसकी ऊंचाई कम होने की, इसकी तलहटी में जमा हो जाते हैं, तो ये ढीले पदार्थों से इसकी जो बनावट है, ये स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है। तीव्र वर्षा के कारण अनेक
जगहों पर ये खंडित हो गई है, शिवालिक की पहाड़ियाँ, ऊपर से पानी आता है और इसकी वजह से ये जगह जगह खंडित हो गई है। शिवालिक के पीछे लघु हिमालय के को पृथक करने वाली लंबाकार घाटियाँ स्थित है इसके अंतर्गत शिवालिक श्रेणियों में, जिन्हें पश्चिम में हम लोग दून और पूर्व में द्वार के नाम से जानते हैं। शिवालिक हिमालय के बाद लघु हिमालय, ये जो निचले शिवालिक के बाद जो ऊपर की जो श्रेणियां हैं, ये जो वाला भाग है यहाँ पर, ये लघु हिमालय के रूप में जाना जाता है। लघु हिमालय शिवालिक के उत्तर में ये श्रेणी है जो 65 से 80 किलोमीटर चौड़ाई में ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं लघु हिमालय की। 2000 से 3500 मीटर ऊंचे हैं। नेपाल और पंजाब में ये बिल्कुल लगातार क्रमिक रूप से फैली हुई है, अविच्छिन्न है, पर कुमायूं में ये खंडित हो गई है। पीर पंजाल, धौलाधार व मसूरी ये प्रमुख यहाँ की पर्वत श्रेणियाँ हैं। स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्ट्जाइट इस लघु हिमालय में पाए जाते हैं। इस लघु हिमालय में जीवावशेष का अभाव पाया जाता है और ढालों पर घास के छोटे छोटे मैदान पाए जाते हैं और इन्हीं घास के छोटे छोटे मैदानों को कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। और आगे पूर्व की ओर उत्तर प्रदेश में इन्हीं छोटे छोटे घास के मैदानों को हम बुग्याल और पयार के नाम से जानते हैं। लघु हिमालय के बाद में इसकी जो श्रेणी है ये आपको दिखाई दे रही है, ये खंडित हैं महान हिमालय। महान हिमालय इस प्रकार से ये रेंज पूरी ये फैली हुई है। तो महान हिमालय जो यहाँ पर महान हिमालय फैला हुआ है, तो महान हिमालय आप देख सकते हैं मैप में लिखा हुआ है। तो महान हिमालय ये सबसे ऊंचा पर्वत है, इसे हिमाद्री भी कहते हैं। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। विस्तार पश्चिम में सिंधु के मोड़ से पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक हैं। चौड़ाई इसकी महान हिमालय की 150 किलोमीटर है। ऊंचाई 6000 मीटर है। 40 से अधिक ज्ञात पर्वत शिखर इसमें पाए जाते हैं जो 7600 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। अभी मैं पहले ही बता रहा था कि रूपशू व देवसाई उच्च मैदान है, हाई जो प्लेन्स है इसके अंतर्गत स्थित हैं। महान व लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। दोनों ही लघु हिमालय और महान हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी सर्वोच्च शिखर नामचा वरवा जो 7555 मीटर ऊंचा है। सालवीन, मिकांग और यांगटीसी नदियों का उद्गम स्थल भी यही है जो मध्य एशिया की ओर ये सारी नदियां जाती हैं। और इस महान हिमालय की रचना ग्रेनाइट व निश शैलों से हुई है। गंगा, दक्षिण में गंगा, यमुना व उसकी सहायक नदियों का उद्गम भी यही पर्वत श्रेणियां हैं। इसके बाद ट्रांस हिमालय, महान हिमालय के जो उत्तर में है, यह 960 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ, पूर्वी व पश्चिमी किनारों पर 40 किलोमीटर तथा मध्य में 225 किलोमीटर की चौड़ाई में है। इसकी ऊंचाई 3100 से 3700 मीटर है। उत्तर की झीलों व बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है और कई दर्रे इसमें हैं जो 5200 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। इस तरह से हमने हिमालय का जो इसके चार विभाग हैं, लघु शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बारे में जानने का प्रयास किया। इसके बाद दीर्घ पर्वतीय मोड़ दो, ये पश्चिम में पूर्वी हिमालय का जो भौतिक विभाग है, इसमें आपको दीर्घ हिमालय के मोड़, हिमालय का जो इधर पश्चिम में सिंधु नदी के गिलगित के पास है सिंधु की और जा सिंधु के मोड़ से पहाड़ है जो दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं, वहाँ
पूर्व की ओर जो ब्रह्मपुत्र नदी है और लास्ट उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र का जो मोड़ आता है, मोड़ आने के बाद भी पहाड़ियाँ इसके दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं, क्योंकि हिमालय का निर्माण संपीड़नात्मक या कंप्रेशनल मूवमेंट के कारण हुआ है, संपीड़न के कारण इसका हुआ है, दबाव के कारण ये कुछ पहाड़ियाँ दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। तो उसमें दीर्घ हिमालय पर्वत श्रेणी के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में दीर्घ वलन हैं, फॉल्ड हैं, इसमें क्रमशः उत्तर पश्चिम मोड़ नॉर्थ वेस्ट तथा उत्तर पूर्वी मोड़ नॉर्थ ईस्टर्न साइनेक्सिस कहा जाता है। हिमालय श्रेणियों का सामान्य विस्तार उत्तर पूर्व दिशा में, किंतु पश्चिम की ओर इसकी दिशा पश्चिम उत्तर पश्चिम है, पुनः आगे इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम दक्षिण हो जाती है। यहाँ ये सुलेमान व किर्थर श्रेणी के रूप में स्थित हैं। सुलेमान और किर्थर, इसमें पे मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पर ये दक्षिण की ओर मुड़ गई, यहाँ नीचे ये किर्थर की श्रेणियाँ हैं और ऊपर नीचे किर्थर और ऊपर सुलेमान की पर्वत श्रेणियाँ इसमें पाई जाती हैं। ये दीर्घ मोड़ों के रूप में कृष्णन ने इन्हें बलूचिस्तान चाप कहा है। इसी प्रकार पूर्व में असम में इन श्रेणियों की दिशा पूर्व उत्तर पूर्व हो जाती है। नामचा वर्मा से आगे ये श्रेणियाँ दक्षिण दिशा में मुड़कर पटकोई, नागा, मणिपुर, लुशाई, अराकान आदि श्रेणियों के रूप में स्थित हैं। ये श्रेणियाँ जो भारत व म्यांमार के मध्य सीमा भी बनाती हैं। आप यहाँ पर, मैं बुक्स में आपको दिखा सकता हूँ, ये जो बुक के माध्यम से कि जो उत्तर पूर्व का दीर्घकालीन मोड़ है वो आप आसानी से इसमें देख सकते हैं। इसमें नागा हैं और इस जो मिजो की पहाड़ियां हैं और अन्य जो पहाड़ियां हैं गारो, खासी, जयंतिया, ये सभी आप इसमें इस मैप के अंतर्गत आप देख सकते हैं। इसके बाद हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है, ये हमने हॉरिजॉन्टल वर्गीकरण है, लेकिन रीजनल जो डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, सबसे पहले पंजाब हिमालय हैं, फिर कुमायूं हिमालय हैं, ये पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, चार भागों में प्रादेशिक रूप से पश्चिम में पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय आ जाता है, फिर नेपाल हिमालय आ जाता है और लास्ट में जा करके असम हिमालय के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। तो पंजाब में सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक इस प्रदेश का विस्तार 560 किलोमीटर में है। नदियों के आधार पर हमने इसको बांटने का प्रयास किया है। सतलज से पश्चिम की ओर श्रेणियों की ऊंचाई कम होती जाती है और मुख्य श्रेणी टाटाकुट्टी, ब्रह्मशकल ये हैं। कुछ शिखर 6000 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। दर्रों में पीर पंजाल हैं, बनिहाल हैं, जो जिला है भुरजिले, पंजाब हिमालय के अंतर्गत ये प्रमुख दर्रे हैं, पीर पंजाल, बनिहाल, जो जिला और भुरजिल। पंजाब हिमालय किसी भी नदी द्वारा पार नहीं किए जाते हैं। नदियों के उत्तरी ढाल निर्जन हैं, जो उत्तरी ढाल हैं जहाँ से उनका उद्गम, निर्जन है, बिल्कुल उजाड़ हैं, शुष्क हैं, जिनके मध्य में पठार व कुछ झीलें स्थित हैं। दक्षिण ढाल अत्यंत अपरदित ढालू, आद्र व सघन व नाच्छादित हैं। आगे हम कुमायूं हिमालय में जाते हैं। इस खंड का विस्तार सतलज से काली नदी तक है, जो 320 किलोमीटर में है। अनेक धार्मिक महत्व के जो शिखर हैं वो सब कुमायूं हिमालय में स्थित हैं, जिनमें नंदा देवी हैं, बद्रीनाथ हैं, केदारनाथ हैं, त्रिशूल हैं, गंगोत्री हैं, ये प्रमुख जो धार्मिक पर्वत श्रेणियाँ हैं कुमायूं हिमालय। गंगोत्री से भागीरथी निकलकर आगे गंगा के रूप में प्रवाहित होती है और कुमायूं हिमालय की रचना प्रधानतः क्वार्ट्स और कहीं कहीं रूपांतरित शिष्ट स्लेट निश्चलों से हुई है। कुमायूं हिमालय
प्राचीन काल में यहाँ अनेक झीलें स्थित थी जिनके अवशेष नैनीताल में, विशेषकर दर्शनीय झीलें हैं। सूखने से उर्वर मैदान की उत्पत्ति हुई है। नेपाल हिमालय, इसका विस्तार काली नदी से तिस्ता नदी के मध्य 800 किलोमीटर में है। ऊंचाई 6,250 मीटर है। इसी खंड में हिमालय की सर्वोच्च हिमाच्छादित शिखर एवरेस्ट 8,848 मीटर, कंचनजंगा 8,556 मीटर, कंचनजंगा वन, धौलागिरी 8,172 मीटर, कंचनजंगा सेकेंड 8,473 मीटर और मकालू 8,481 मीटर, चो ओयू 8,153 मीटर, कुटंग 8,125 मीटर और अन्नपूर्णा 8,076 मीटर स्थित है। नेपाल के पूर्वी भाग में चूना पत्थर शैल तथा अन्य शैल, चिकायुक्त बालू पत्थर, क्वार्ट्ज, चूना पत्थर शैलों की प्रधानता इसमें पाई जाती है। पूर्वोत्तर में असम हिमालय, इसका विस्तार तिस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक 750 किलोमीटर की लंबाई में है। मैदान की ओर श्रेणियों का ढाल तीव्र तथा पश्चिम की ओर मंद है। यहाँ लघु हिमालय अत्यंत संकरे हैं। प्रमुख शिखरें कुला कांगड़ी 7,554 मीटर, चोमोलहारी 7,314 मीटर, काबरू पहुनी ये हैं। जनजातियों के नाम के आधार पर असम हिमालय की अनेक पहाड़ियाँ जिसमें आका, धनसिरी, दफला, मिरी, अमोर, मिशमी का नामकरण किया गया है। इस तरह से हिमालय का जो डिवाइजेशन क्षैतिज और वर्टिकल दोनों ही रूप में हमें किया, वर्टिकल रूप से इसको प्रादेशिक हिमालय।